राजधानी रांची के टुंडार निवासी बरकत अंसारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरे पिता और भाई सद्दाम अंसारी मिलकर मुझे अपने हक और हिस्सा से बेदखल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे शादी के एक साल के बाद से मेरे माता पिता भाई मिलकर मुझे और मेरी पत्नी के साथ अत्याचार करने लगे। मेरे माता पिता का कहना था कि मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं। मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मुझे अपनी बाप दादा की जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया गया। फर्स्ट बार जो ऐसा हुआ था कि जो बीबी को छोड़ने के लिए बोलते थे और 6 साल बाल बुतरु नहीं थे, इन्हीं के अथी बोलते हैं, ठीक है, और हिसाब बटन नहीं देना चाहते हैं। और बार कौन पिताजी अब्बू हजरा हाजी हजरत अंसारी जी, और बार बार मार करके दोनों बाप बेटा भगा देते हैं। बार 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 उन्हीं के नाम पूरा जमीन जगह जगह प्रॉपर्टी पुताओं के नाम सर, बेटा के नाम सर, बहू के नाम से कर रहे, दोनों बेटी के नाम से कर रहे हैं और हमको देना नहीं चाह रहे। घर से बेदखल दर दर का भटकवा रहे हैं हमको, और दर दर का भटकवा रहे, बार बार मार पीट। अभी हम इधर उधर इधर रह रहे हैं। दो भाई हूँ हम लोग, सद्दाम अंसारी, बरकत अंसारी, रजिया खातून, सलेहा खातून। हाँ, और बार बार मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि DIG, IG, SP, हाईकोर्ट जज सबको हम खरीद लेंगे। और उन्हीं के द्वारा हो रहा है, उनका जो एक संधि है उनके द्वारा भी उनको पूरा अथी मिला जा रहा है, सहायता पूरा। हाँ, मेरा कमर का नस दबा दिया है मारपीट का, अभी हम कुछ कार्य नहीं पाते हैं, पूरा एकदम नस दबाए जा रहा। कौन मारता था? दोनों भाई यार अब्बू। और अभी जो हर एक जगह का जमीन जगह को बेच रहे हैं। क्यों मारते थे, क्या बोलते थे? कि तुमको जमीन जगह नहीं देंगे, बाल बुतरू को छोड़ना होगा, बीबी को छोड़ना होगा। और हर एक जगह का जमीन जगह को बेच रहे हैं, दोनों बेटी और पुता के नाम से कर रहे हैं, अथी बेटा के नाम से कर रहे हैं, हर एक जगह जमीन जगह। क्या मांगी आपकी? मेरा मांग है कि हमको हिस्सा बटा मिला जाए, हम आपस में रहना चाहते हैं, सब कुछ हमको दिया जाए, मेरा हक इंसाफ। और जो भी मेरा बात सुन रहे, जो भी पब्लिक या जो भी हमारे सरकार से प्रशासन से निवेदन है कि हमारा मदद करे। अच्छा, इसे क्या वजह है जो एक बेटा को मान हो रहा है, दूसरा बेटा को बेदखल किया जा रहा है? कमजोरी की वजह से, कमजोर सीधा सपथ हम थे, सीधा सपथ है, अगर हम सीधा सपथ है। क्या काम करते हैं आप? हम काम करते हैं रंग पेंट काम का। अभी जो मेरा बीमारी है उसको जैसे हम अभी काम नहीं कर पा रहे हैं। आपने प्रशासन से गुहार लगाया? और प्रशासन से मेरा गुहार नहीं लगा है, प्रशासन से। अच्छा, कभी नजदीकी थाना में फायर किए हैं? गए हैं, लेकिन पैसा गए हैं, लेकिन पैसा दे देते हैं थाने में, तो थाना में उसी का सुनवाई होता है। कौन थाना? पुंडा का OP में। तो क्या वजह है आखिर ने बताया? आप वो तो पहले बताया कि अपने वाइफ को छोड़ने बोला। हाँ, इसका वजह से आपको बेदखल कर दिया गया? हाँ, नहीं नहीं, हिस्सा बटा नहीं देना चाहते हैं। मारपीट को झूठा इंजाम दे के फंसाया जा रहा है। परवेज अंसारी को हम अगर जमीन नहीं देते, आज हम मर जाते। अरे दोनों बाप बेटा बोलते हैं कि इसको हर एक जगह जान का खतरा है, हमको मारने का धमकी देता है दोनों बाप बेटा। अब परवेज अंसारी अगर नहीं होते आज, आज हमको मर जाते, उसको जमीन नहीं देते तो। और ये बोलते हैं वो अगर पैसा उसको गैर खिलाफ इन फंसाया जा रहा है। सर, ये खपा हुआ है, आप अपने पिता को मृत घोषित किया, दलाल के साथ घूम माफियों के साथ अब मिलकर जमीन बेच रहे हैं, इस पर क्या कहें? हम अपना पिताजी को क्यों मृत घोषित करना चाहते हैं? कह के हम अनपढ़ गंवा रहे, पढ़े लिखे अनपढ़ गंवा रहे, और हम रंग पेंट का काम करते हैं, और हम अनपढ़ गंवा रहे, हम उसको क्यों मृत्यु घोषित कर सकते हैं? फोन गया, और हम CO से भी चाहते हैं कि हमारा हक इंसाफ दिलाया जाए। और आप बोलिए मैडम, बोलिए, आपको जो समझ आ रहा बोलिए। जो पेपर में लिखाया है वो गलती से लिखाया है, हम पढ़े लिखे नहीं थे यार, गलती से लिखाया है, तो इसको सुधारा जाएगा। और मेरा हस्बैंड को क्या बोलते हैं, इंसाफ चाहिए। हम CEO BDO सबसे माफ़ी मांगते हैं कि मेरा इंसाफ दिला दीजिए, और मेरा विनती है कि मेरा दोनों बच्चों को हमको पढ़ाना लिखाना है। इसका वजह से आपको बेदखल कर दिया गया? हाँ, नहीं नहीं, हिस्सा बटा नहीं देना चाहते हैं मारपीट।
क्या दिक्कत हो रहा है आपको? मेरा घर कुंदाग है, करकरा मायके है। दिक्कत ये है कि मेरा 2010 में शादी हुआ, उसके बाद कुछ दिन रहे रहे फिर मेरा सास ससुर मुर्गी फार्म का खोल लिए, मुर्गी फार्म का पोसने के लिए, पालन करने के लिए हम लोग मुर्गी फार्म खोले। उसके बाद में ऐसे ही करते करते हम लोग ठीक से रहते थे। फिर ऐसे में हम लोग लकड़ी जलाते थे, गैस नहीं था, इसी वजह से हम लोग गुल्लू बनाते थे। तो मेरा सांस मुर्गी लेटरिंग को गुल्लू बंधवाती थी, इतना सताती थी हमको, और बार बार बोलती थी कि तुम्हारा औलाद नहीं है, तुमको रख के कहाँ करेंगे, मेरा कोई अथी नहीं रहेगा, मेरा खुशिये नहीं है, तुमको काहे रखेंगे। इसी वजह से मेरा हस्बैंड को बार बार बोलते थे कि इसको छोड़ो। तो मेरा हस्बैंड बोलते थे कि हम गरीब का बेटी को नहीं छोड़ेंगे, तुम गिया था, हम देखने नहीं गिए थे, कह के ही बोलते थे। तो ऐसे ही करते करते बहुत दबाव होने लगा। उसके बाद में पुराना घर को बेच दिए। 2015 में इनका तबीयत खराब हो गया, वही मारपीट का वजह से तबीयत खराब हो गया। होने के कारण मेरा 2015 में मेरा बाबू रहा। तो ये लोग कह रहा है कि मेरा घर का औलाद नहीं है कह के ये लोग हम लोग को पहले अलग कर दिया। फिर भी कुछ करता था आपके साथ? हाँ, मारपीट करता था बार बार। मेरा सांस कहती थी कि तुम्हारा औलाद नहीं है तो रख के तुमको का करेंगे। सो ऐसे ही करते मेरा बाबू भी रह गया, ये भी तबीयत खराब हो गया मार का वजह से। डॉक्टर बोल दिए कि इसका नस दब गया है। मेरा अब्बू बहुत दवा बीरो करवाए इधर उधर से करके। ससुराल से निकाल जाने के बाद कहाँ रह रहे हैं आप? अभी मेरा मायके में रह रहे हैं। मार के भगा दिए, अभी रह रहे हैं, 6 महीना से रह रहे हैं। दो हुआ तो इसको बोल दिए कि मेरा घर का औलाद नहीं है, पुराना घर बेच दिए। फिर हम लोग को दूसरा घर में शिफ्ट हो गए, फिर उसको किराया दे दिया, फिर तीसरा घर में रहने लगे। तो अब